जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। कैसे हो दोस्तों? जिंदगी की दास्ता भी बहुत अजीब होती है, कभी बहुत कुछ देती है तो कभी सब कुछ छीन लेती है। बात आदत की है, सिर्फ जीतने की आदत डालना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी हार का भी सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम सुशांत सिंह के जीवन के कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप लोगों को शायद ही पता होंगी। सुशांत सिंह राजपूत के पापा गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और उनकी माताजी का स्वर्गवास 2002 में हुआ था, जब सुशांत 12वीं क्लास में थे। उनकी दो बहनें हैं, जिसमें से एक स्टेट लेवल क्रिकेटर है। आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में की। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने पूरी भारत में 7वीं पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। वही उन्हें डांसिंग और एक्टिंग में रुचि आई। फिर क्या था, उन्होंने शामक दौर की डांस क्लासेस ज्वाइन की। इसी बीच उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस बैरी जोन्स ड्रामा क्लासेस से ली। इस दौरान उन्होंने कई सारे शोज में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी किया। फिर उनकी रुचि डांस और एक्टिंग में इतनी बड़ी कि साल के आखिर में उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने नादिरा बब्बर का एक जूते थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। उसी वक्त वह नेस्ले मंच की एडवर्टाइज में दिखाई दिए, जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस हुआ था। इसी बीच एक दिन बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने उनको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख लिया और फिर उन्हें ऑडिशन का निमंत्रण दिया एक सीरियल के लिए, जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। बहुत बड़ा रोल नहीं था बट अच्छा था और उन्हें बहुत प्रशंसा भी मिली। उसके बाद 2009 में उन्हें लीडिंग रोल मिला। सीरियल थी पवित्र रिश्ता। इस सीरियल ने उन्हें बहुत पॉपुलर तो बनाया ही, पर साथ में कई सारे अवार्ड भी दिलाए। 2010 में जब वह पवित्र रिश्ता की शूटिंग कर रहे थे, तभी वह डांस रियलिटी शो का भी हिस्सा रहे, जिसका नाम था जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा 4। 2011 में उन्होंने पवित्र रिश्ता सीरियल छोड़ दी क्योंकि उन्हें फिल्म मेकिंग कोर्स करना था अब्रॉड जाके। फिर आया 2013, जब सुशांत ने ऑडिशन दी अभिषेक कपूर की फिल्म कायपोचे के लिए और सिलेक्ट भी हो गए। यहाँ शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर। कायपोचे में उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई और उन्हें अवार्ड भी मिले। उसके बाद यशराज प्रोडक्शन ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें से 2 रिलीज हुई, शुद्ध रेसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। उसके बाद राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में भी वो एक अहम भूमिका में नजर आए। फिर 2016 में आई उनकी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। वह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक थी। 2017 में वह राब्ता फिल्म में दिखाई दिए, जो एक फ्लॉप फिल्म थी। फिर 2018 में उन्होंने केदारनाथ की, जो सारा अली खान की पहली फिल्म थी। फिर 2019 में उन्होंने फिल्म की सोन चिरिया, जो कि चंबल के डाकुओं पर आधारित थी। फिर आई उनकी फिल्म छिछोरे, जो कि श्रद्धा कपूर के साथ थी और यह भी उनकी अच्छी फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर की फिल्म ड्राइव की, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई, जिसमें उनके साथ जैकलिन फर्नांडिस थी। 2020 में उनके आने वाली फिल्म थी दिल बेचारा, जो सैफ अली खान के साथ थी, पर उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जो कभी रिलीज नहीं हुई या बंद कर दी गई, जिसमें शामिल है चंदा मामा दूर के, एक साइंस फिक्शन स्पेस फिल्म थी जिसमें उनके साथ R माधवन भी थे। इरफान खान के साथ तकड़ुम फिल्म, जो एक म्यूजिकल ड्रामा थी। चाणक्य और APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित भी फिल्में थी जो बंद हो गई। तो ये सारी सुनी अनसुनी बातें सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से जुड़ी हुई थी। अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा। इसके लिए देखते रहिए मेरा चैनल वी वेक वी राइज, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।